घंटे, और मेरे घंटे का किंग भाईजान आए करे डिफेंड, आए मेरा घंटा, यह घंटा अपनी मर्जी से टीम लेके गया है। एक और बात बता दूं, ये इस वर्ल्ड कप में कोई अपसेट करवाएंगे नेदरलैंड या श्रीलंका से, और बांग्लादेश ने श्रीलंका को 1-0 हरा दिया है, मतलब बांग्लादेश इनसे बेहतर क्रिकेट खेल रहा है। वर्ल्ड कप की जो तैयारी है ना, आज न्यूजीलैंड ने उसके ऊपर पानी फेंक दिया है और मुंह में कालक भी लगाई है। नहीं भाई, ये बोलिंग है भाई, जिस तरह से आपकी बॉलिंग परफॉर्म कर रही है, 346-45 का टारगेट जो आपने बोर्ड के ऊपर लगाया हुआ है, और 5 विकेट जो उनके आउट है, वो तो भी रिटायर्ड हट होते जो है, केन विलियमसन भी चले गए, इसके बावजूद आपसे यूं यूं अगले मैच। रविंद्रा कौन है पहले मुझे बताओ, ये रविंद्रा कौन है? ओ भाई रविंद्रा है कौन? ये रविंद्रा, उसने आपको 97 मार। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में हैदराबाद में एक अभ्यास मैच खेला गया, उसमें भी पाकिस्तान की करारी हार हुई है। दोस्तों, जब यह मैच शुरू हुआ था उसमें पाकिस्तान के बाबर आजम और रिजवान ने अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन उसको पाकिस्तानी मीडिया पहले तो यही दिखा रहा था कि बाबर आजम ने एक बार फिर से रन बनाए और रिजवान ने भी पाकिस्तान के लिए शतक जड़ा है। लेकिन दोस्तों, जब पाकिस्तान ने 350 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया था, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी टीम की अब जिस तरह से न्यूजीलैंड ने करारी हार पाकिस्तान के गले में डाली है, उसको लेकर बाबर आजम की कप्तानी पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। तो दोस्तों, अब वर्ल्ड कप अभी शुरू भी नहीं हुआ है, ये अभ्यास मैच चल रहे हैं, और अभ्यास मैच में यह पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी टीम पहले ही निशाने पर थी, जो पाकिस्तान के बाबर आजम ने जो वर्ल्ड कप के लिए टीम सेलेक्ट की थी, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी आलोचना हो रही थी। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ने यह 350 रनों का स्कोर दोस्तों 45 ओवरों में पार कर दिया, तो उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया देख के किस तरह से बाबर आजम की जमकर क्लास ले रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। करना है इमाम नसीम को यहीं छोड़कर जाना है, हुक्म के लेकर नहीं जाने हैं। दाऊद साहब, ये हो क्या रहा है यहाँ पर? तो आप कह लेंगे जलील हो रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट। देखिए, आज हमारे लिए इतना अच्छा और इतना अहम दिन है, ईद मिलाद नबी का, खुशियां लोग मना रहे हैं हर जगह, लेकिन पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंसेज है वो आप कहीं भी हो वो आपको आग लगाने में कसर नहीं छोड़ती है। अगर आपने 350 बोर्ड पे लगाया अली साहब, आपने 45 ओवरों में रगड़ा लगवा दिया, 43 ओवर्स में आपने इतना बड़ा जैन टोटल चेस करा दिया, आपकी आज बॉलिंग एक बार एक्सपोज हुई है। बात ये नहीं है हार और जीत की, बात हार जीत की नहीं है, बात यह है कि आपकी बॉलिंग पर हम बात कर रहे हैं, हम कोलंबो से रोला डाल रहे हैं कि आपकी बॉलिंग ये क्लूलेस है, आप इसमें तब्दीली लाओ। लेकिन बाबर कहती है नहीं जी, ये तब्दीली नहीं है, बेस्ट बॉलिंग है। सवाल पूछा गया स्पिनर के वाले से, वो कहती है जी बेस्ट स्पिनर है, इससे बेहतर कोई स्पिनर ही नहीं है। भाई बाबा जी का ठुल्लू बेस्ट स्पिनर है। आप हालत देखिए, रऊफ को नए बॉल से हो नहीं रहा, नवाज से बॉल हो नहीं रहा। मुझे एक बात और जवाब दे, शादाब से बॉल क्यों नहीं कराया? हाँ तो खाली इसलिए नहीं करवाया कि वो सेव हो जाए, ताकि अगले मैच में वही वो दोस्ती के कोटे में खेले। यार आप वर्ल्ड कप में गए हो यार, सामा मीर ने तो फिर भी बेहतर बॉलिंग की। बात वो मैं नहीं कर रहा, सेव कर रहे हैं। तो शादाब को आपको खिलाना चाहिए था, आपने शादाब को भी नहीं खिलाया भाई, इसलिए कि वही वो सेव हो जाए। यार आपने मजाक कर बना के रखा हुआ है, आपने पाकिस्तान फैंस को, क्रिकेट के फैंस को ट्रक के भद्दी के पीछे लगा के रखा है। यार आपकी बेशर्मी की इंतहा ही नहीं खत्म हो रही। आप ये देखें कि न्यूजीलैंड से 350 आप 43 ओवरों में खा जो, इसमें भी अगर सुनो आप, इसमें आपके डैरिल मिचेल रिटायर्ड हर्ट है, इसमें सुनो आप जरा, केन विलियमसन भी रिटायर्ड आउट हुए, दो इसमें हुए, उन्होंने तो आपको ताबड़ तोड़ मार दिया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, छोड़ा क्या उन्होंने आपके लिए यार? आपकी बॉलिंग वर्ल्ड कप में इतनी बेकार, और ये हमें पता थी। बात ही नहीं है कि आपकी बॉलिंग एक मैच में पूरी हो गई या क्या करेगी, बात ये हमें पता थी। जमान खान को किसने बाहर किया, अबरार को कौन स्क्वाड में नहीं लाना चाहता, सवाल पूछ लिया आवाम। वर्ल्ड कप की जो तैयारी है ना, आज न्यूजीलैंड ने उसके ऊपर पानी फेंक दिया और मुंह में कालक भी लगाई है। भाई ये बोलिंग है भाई, जिस तरह से आपकी बॉलिंग परफॉर्म कर रही है, 346-45 का टारगेट जो आपने बोर्ड के ऊपर लगाया हुआ है, और 5 विकेट जो उनके आउट है, वो तो भी रिटायर्ड हट होते जो है, केन विलियमसन भी चले गए, इसके बावजूद आपसे यूं यूं अगले मैच। रविंद्रा कौन है पहले मुझे बताओ, ये रविंद्रा कौन है? ओ भाई रविंद्रा है कौन? ये रविंद्रा, उसने आपको 97 मारा है, उसने एक एक बॉलर की दुर्गत बना दी। रविंद्रा कौन है? इतना कोई बेकार सा कोई बॉलर है यार, वो बॉलर भी पूरा नहीं है। छोड़ो, मैं तो उसको बॉलर भी नहीं मानता, सही बात है, वो तो बॉलर भी पूरा नहीं है, तो आप उससे मार खा रहे हो यार। बात यह है कि आपने मेरिट पे कॉर्ड नहीं पिक किया,
बात यह कि आमिर से आपकी जलती है, बात यह कि इमाद को आप टीम में नहीं लाए, बात यह कि आपने जमान खान को नहीं आने दिया, बात यह कि आपने पूरे स्क्वाड में एक भी स्पिनर को नहीं चुना। यह हकीकत है कि आपने एक भी स्पिनर स्क्वाड में नहीं डाला, एक भी प्रॉपर स्पिनर स्क्वाड में नहीं डाला, बात यह कि आपने अपनी ईगो की खातिर आमिर को नहीं आने दिया। भाई आपको एक बात और बता दूं, एक और बात बता दूं, ये इस वर्ल्ड कप में कोई अपसेट करवाएंगे नेदरलैंड या श्रीलंका से, और बांग्लादेश ने श्रीलंका को 1-0 हरा दिया। मतलब बांग्लादेश इनसे बेहतर क्रिकेट खेल रहा है। बांग्लादेश ने एशिया कप में भी इनसे बेहतर क्रिकेट खेल लिया, बांग्लादेश ने आज भी इनसे बेहतर क्रिकेट खेल लिया। मतलब हम तो बांग्लादेश से भी नीचे हैं, और मेरा घंटे का किंग बांग्लादेश से भी नीचे है, और मेरे घंटे का किंग बांग्लादेश से भी नीचे है, और मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे, और मेरे घंटे का किंग भाईजान आए करे डिफेंड, आए मेरा घंटा। यह घंटा अपनी मर्जी से टीम लेके गया है भाईजान, अपनी मर्जी से टीम पाकिस्तान लेके गया। ये इमाद वसीम की जरूरत थी, और भाई वो सुनील गावस्कर की लेजेंड सुनील गावस्कर, वो बंदा उधर क्लब क्लब के पागल हो रहा है कि बाबर आजम को चाहिए कि स्पिनर लगाए, मेन स्पिनर लगाए, मेन स्पिनर लगाए। बेशक प्रैक्टिस मैच है, मेन स्पिनर लगाए, लेकिन बाबर साहब दे विच अकल ना दी चीज हो तद ना। 350 करके भी अगर आप लोग डिफेंडर ना कर पा रहे तो मैं कहता हूं लानत है। अभी इंडिया नहीं थी, अभी ये ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं थी, अभी ये इंग्लैंड टीम नहीं थी, न्यूजीलैंड से ये तीनों टीमें बेहतर है। इंडिया अपने होम ग्राउंड में ना ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ता तो आप किस खेत की मूली हो? 14 को इंडिया को इस प्लेइंग 11 इस टीम के साथ फेस करोगे अहमदाबाद में, जहां अब तक आज ने क्रिकेट नहीं खेली। अहमदाबाद का किंग शुभमन गिल चल गया, आपके अंदर फट जाएगा वो लोग। बताओ करो डिफेंड। कोई नहीं डिफेंड करेगा, कोई बंदा इधर आके डिफेंड नहीं करेगा। साहब ने पाकिस्तान के पैसे खाए हैं, हम लोगों के साथ आप लोग खेलते हो, हम लोगों के जज्बात के साथ आप लोग खेलते हो, हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, आ हमारे जज्बात के साथ खेलते हो। एशिया कप में बैड सिलेक्शन बाबर आजम की है ना, बाबर आजम की दोस्ती टीम के सिरे चढ़ी। आप मुझे बताओ ना यार, आप लोग मुझे बताओ, मेरी बात समझ यार। एशिया कप पूरा गुजरा है, बाबर आजम अना के साथ वही टीम खिलाता रहा, वही टीम खिलाता रहा, वही स्पिन डिपार्टमेंट खिलाता रहा, जबकि पूरा दुनिया कमेंटेटर हर बंदा दूसरी टीम वाले कहते रहे हैं कि शदाब नवाज को बिठा दो। बाबर ने बोला नहीं, फिर ये सिलेक्शन जब इस टीम की गई तो मेरे घंटे ने क्या किया, मेरे घंटे ने इस टीम के साथ वो टीम लेके गया जिस टीम का कोई पंगा ही नहीं था, मसला ही नहीं था, जो टीम ऑलरेडी एशिया कप में जलील होके आ चुकी थी। इमाद वसीम इधर चाहिए था, बजा दिया। न्यूजीलैंड ने इन घंटों का ऐसा खतरनाक वाला घंटा बजाया, इन घंटों को ऐसी औकात याद दिलवाई है, इनको बता दिया है कि आप घंटे और घंटे हमेशा नीचे रहते हैं, और दोस्ती 11 लेके जाओ, और शिदाब को बॉलिंग ना करवाओ, और ये बताओ, और डीट पन रहो, और ये चीजें करते रहो, और पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करते रहो। मेरे घंटे का न्यूजीलैंड ने आज घंटा बजा दिया, मेरे ऑफिशियल घंटे का न्यूजीलैंड ने आज घंटा बजा दिया। आज न्यूजीलैंड ने ये बता दिया कि मेरा घंटा जो है ना सिर्फ बजाने के लिए, ओ मेरे घंटे का किंग, 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 मेरे घंटे। न्यूजीलैंड ने ये बता दिया कि ये जो घंटे है ना, ये जो घंटे इकट्ठे किए हुए हैं आप लोगों ने, इनको हम 40 ओवर में रगड़ सकते हैं, इनको हम 40 ओवर में ये बता सकते हैं कि आप लोग जो है वो ये कुछ भी नहीं हो। क्या औकात है, मेरी बात सुनो। यही बाबर था ना जो कह रहा था कि इस वर्ल्ड कप में हम ये करेंगे, नई माइंड सेट ये है। ओ भाई वाम मैच में न्यूजीलैंड ने आपका घंटा बजा दिया, 350 करके भी आप जलील हो रहे हो, 350 करके भी आप लोग जलील हो रहे हो, इससे शर्म की मुकाम और क्या हो सकती है। तो देखा होगा दोस्तों, पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि अगर पाकिस्तानी टीम ने 350 रनों का स्कोर बना दिया है तो यह स्कोर ऐसा है कि कोई भी चेज नहीं कर पाएगा, वो काफी बड़ा स्कोर है, मुश्किल स्कोर है। और बाबर आजम की बैटिंग अच्छी रही, रिजवान की बैटिंग अच्छी रही, बाबर आजम की तारीख में जितने भी बाबर आजम के गुर्गे हैं उन्होंने कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए थे। लेकिन दोस्तों जिस तरह से न्यूजीलैंड की बैटिंग आई उसमें दोस्तों पाकिस्तानी बॉलिंग की धज्जियां उड़ा के रख दी, और इस मैच में दोस्तों अगर 400 न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती तो हो सकता है 450 रनों का भी स्कोर चढ़ देती।
तो दोस्तों पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और आगे आने वाले समय में हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।